Alright, so hey guys, what up everybody, it's your boy Danish Zehen, back at it again with a new video. Okay, so guys, आज का वीडियो सबको पता है किस बारे में और किस बारे में नहीं. So guys, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जितने भी लोग मुझे शूज़ वगैरह के लिए बोलते हैं ना, डूड किसने क्या, मैंने स्नीकर्स कहाँ से लिया, मैंने नाइक क्वाजी कहाँ से लिया, मैंने अपना एयरफोर्स कहाँ से खरीदा, मैंने कम्फर्ट कहाँ से लिया, मैंने ये कहाँ से बाई किया और मैंने सारे शूज़ कहाँ से लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. तुम लोग को लेब्रॉन, नाइकी लेब्रॉन, एयरफोर्स, ईजी, केनिया वेस्ट लिमिटेड एडिशन ईजी 355 SPLY एंड जितने भी सारे शूज़ तुम्हें चाहिए, सारे के सारे शूज़ कैश ऑन डिलीवरी पर तुम्हारे घर पर आएंगे. एंड ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फ्री है, कैश ऑन डिलीवरी, घर पे शूज़ आएंगे, तुम्हें पैसे देने. कौन कौन से शूज़ तुम्हें चाहिए, जो जो शूज़ तुम्हें चाहिए, सारे की सारे शूज़ तुम्हें नेक्स्ट क्लिप में दिखेंगे, तो तुम लोग देख सकते हो. आई मीन मैं तुम्हें 3 से 4 शूज़ बताऊंगा, बट अगर तुम्हें उससे ज़्यादा शूज़ देखने तो तुम्हें जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन चेक करो एंड जाकर ऑर्डर करो तुम जो शूज़ चाहिए वो. जो कोई भी इंटरेस्टेड है शूज़ वगैरह के अंदर जाके तुम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिया हुआ है, तुम वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली बाय कर सकते हो. एंड वही तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली आते हैं टॉपिक के ऊपर. सो वही सो भाई, 2 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, क्या मुझे उस बाइक के ऊपर ब्लॉग करना चाहिए या नहीं. एंड 90% लोगों ने कहा मुझे करना चाहिए इसके ऊपर. मैं बताऊँगा क्या है क्या नहीं. ओके, सबसे पहली बात, ये बाइक कौन सी है, ये बाइक कैसे बनी है, ये बाइक क्या चीज़ है, ये डूड एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता. बिकॉज ये बाइक की चेसी अलग है, इंजन अलग है, साइलेंसर अलग है, टायर अलग है, बॉडी लाइन अलग है, लाइट्स अलग है, हेडलाइट अलग है. आई मीन ये बाइक पूरी असेंबल करके बनाई हुई है, आई मीन ट्रांसफॉर्मर डूड, इसमें कोई भी एक कंपनी की चीज़ नहीं है. ये बाइक के अंदर तुम लोग जो कुछ भी देखोगे हर चीज़ अलग है, शॉकअप से लेके हर चीज़ अलग कंपनी का, इंजन पल्सर का बॉडी लाइन KTM की, इसके थोड़ा ट्रांसफॉर्मर लुक दिया हुआ है आगे पीछे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, इसका साइलेंसर चेंज करा हुआ है. एंड आई मीन डू, इसका इंजन पोर्ट करा हुआ है, एंड ये बहुत नेक्स्ट लेवल है. तो कहीं तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं तुम लोग इसे ऑन करके दिखाता हूँ कि बीच कैसा कैसा नहीं. ऑन करने से पहले तुम लोग क्लोज लुक ले लो, ये कैसी दिखती हो कैसी नहीं. सो वही गाइस, आई होप इतने में तुम लोग समझ गए होगे बाइक दिखती कैसी है और कैसी नहीं. अब हम इसे ऑन करके देखते हैं मेन पार्ट. सो गाइज, मैं और ज़्यादा सोच के यहाँ पर बुंग बुंग नहीं कर सकता सर, तो सारे लोग सो रहे हैं एंड 3 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने कहा. सो गाइज, अब इस बाइक की एक और एक खास बात मैं आपको बताऊँगा, जो कि है कि रात को ये बाइक चमकती है डूड पूरी तरीके से, एंड इसकी हेडलाइट्स वगैरह बिल्कुल भी अलग है. आई मीन इसके जितना भी ग्रीन पार्ट्स है ना, सारा रेडियम रात को चमकते हैं, एंड इसकी हेडलाइट्स वगैरह बिल्कुल भी अलग है डूड. ये देखो, ये इसका ये 2 लाइट्स है, एंड इसमें यहाँ पर एक्सटर्नल लाइट लगाई हुई है, जो कि लाइट्स हम लोग यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, एंड यहाँ पे भी लगाने वाले हैं. ऊपर से यहाँ पे जो इसके साइड इंडिकेटर्स है तुम देख सकते हो. मुझे सबसे बूम चीज़ जो लगी है वो ये है, बिकॉज ये बिल्कुल अलग है. जब ये रात को चलती है तो ये बहुत सेक्सी बीस्ट लगती है,
वन पीस एंड इसमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, इसे मैं यहाँ से खींचूँगा तो ये दो लाइट चालू हो जाएगी। अब इसमें ना इतनी लाइट्स लगी हुई है फिलहाल। और राइट सो गाइस, मैं दिखाया था, मैंने उतना तो दिखा दिया, अब इसे रोड पर लेके चलते हैं, देखते हैं इसका पावर क्या है। सो भाई सो भाई ओके सो गाइस, बिल्डिंग नीचे हम लोग चेक नहीं कर पाते थे, साउंड को जो हम सारे लोग स्टोर के डॉक्टर के लाइन का, तो हम लोग पूरा सा साउंड चेक नहीं कर पाते थे, यहाँ पर ठीक है। हेलमेट नहीं पहन रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेलमेट नहीं पहनोगे भाई, हेलमेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पास के ग्राउंड ले रहा हूँ, अगर मैं हेलमेट बताया मैं कभी नहीं पहनता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा छत भी है, बट तुम हेलमेट पहनो, हेलमेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो वही